नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। सीपीएल 2021 का रोमांच शुरू हो चुका है। इन दिनों वेस्टइंडीज में सीपीएल 2021 खेली जा रही है। एक से बढ़कर एक धुरंधर इसमें भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक प्रदर्शन देखने को भी मिल रहे हैं। बल्लेबाजों के बड़े बड़े छक्के देखने को मिल रहे हैं, वहीं गेंदबाजों ने भी कमाल दिखाया है। लेकिन इसके अलावा एक और खिलाड़ी ने सुर्खियां बटोरी हुई हैं, जिसने अपनी फील्डिंग से हर किसी को हैरान कर दिया है। सीपीएल के दूसरे मैच में बारबाडोस रॉयल्स की टीम को सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीम ने 21 रनों से हरा दिया। बारबाडोस रॉयल्स के खिलाड़ी हेडन वॉल्श जूनियर ने गजब की फील्डिंग कर हर किसी को हैरान कर दिया। सीपीएल ने अपने ट्विटर पर हेडन वॉल्श जूनियर की इस असाधारण फील्डिंग का वीडियो शेयर किया है, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वॉल्श ने हवा में सुपरमैन के अंदाज में उछलकर सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बल्लेबाज डेविन ब्रावो के बल्ले से निकले शॉट को रोक दिया। ब्रावो ने जो शॉट लगाया था वो साफ तौर पर नजर आ रहा था कि वो बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी, लेकिन वॉल्श ने हवा में शानदार अंदाज में न सिर्फ पहले जंप लगाया बल्कि गेंद को लपकने के बाद काफी होशियारी से अंदर की ओर फेंक दिया। वीडियो को देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आपको बता दें, यह हैरान कर देने वाला कारनामा पैट्रियट्स की पारी के 17वें ओवर में हुआ, जब ब्रावो को दाएं हाथ के सीमर तिसारा परेरा ने ऑफसाइड के बाहर एक गेंद फेंकी और ब्रावो ने अपने ही अंदाज में गेंद को हवा में खेल दिया। पहली नजर में साफ नजर आया कि ब्रावो ने गेंद को काफी अच्छे तरीके से टाइम किया है और गेंद कवर के ऊपर से छक्के के लिए चली जाएगी, लेकिन बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे हेडन वॉल्श जूनियर का इरादा मान लो कुछ और ही था। पहले तो हेडन वॉल्श जूनियर ने शानदार अंदाज में गेंद को जज किया और हवा में छलांग लगाई और गेंद को लपक लिया, और उसके बाद बेहद खूबसूरती से जमीन में गिरने से पहले गेंद को अंदर फेंक दिया और वापस आकर गेंद को थ्रो कर दिया। ये काफी हैरान कर देने वाला स्टंट था। आपको बता दें, सेंट किट्स इस मैच को जीतने में सफल रही। पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट किट्स ने 20 ओवर में 175 रन बनाए थे, जवाब में बारबाडोस की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 154 रन ही बना सकी। मैच में सफेन रदरफोर्ड ने 35 गेंदों पर 47 रनों की नाबाद फारी खेली, इसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। बता दें, सीपीएल में अब तक 6 मैच खेले जा चुके हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।